अभी तो घर में शादी के बाद की रस्में चल रही थी। नई नवेली दुल्हन को घर में आई अभी पूरा एक दिन भी नहीं हुआ था। अभी तो उसने जी भर कर अपने दूल्हे की तरफ देखा भी नहीं था कि उससे पहले ही उसका सुहाग गुजर गया और 24 घंटे से पहले ही सुहागन बनी दुल्हन विधवा हो गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक बेहद ही दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहाँ के मैनापुट्टी में एक परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। शादी के 16 घंटे बाद ही परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। बारात से लौटने के बाद दूल्हा दोस्त के साथ बाइक पर कुछ सामान लेने के लिए गया था और सड़क पर बाइक फिसलने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान अस्पताल ले जाते समय दूल्हे ने दम तोड़ दिया। दरअसल सरूरपुर थाना क्षेत्र के गांव मैनापुटी के रहने वाले 22 साल के सनी की रविवार रात हापुड़ के गांव गालंद की रहने वाली पूनम के साथ शादी हुई थी। सोमवार सुबह करीब 3 बजे हंसी खुशी दुल्हन को विदा कराया गया। दिन भर परिवार में शादी का जश्न मनता रहा, रस्में होती रही, नई नवेली दुल्हन परिवार में घुल मिल रही थी। नई बहू के घर में आने से पूरा परिवार चहक रहा था। महिलाएं शाम को संगीत कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी हुई थी और दूल्हा सनी अपने पड़ोसी संदीप के साथ कुछ सामान लेने के लिए सरधना गया हुआ था। देर शाम घर लौटते समय जैसे ही सनी और संदीप सरूरपुर थाने के सामने पहुंचे तो वहां चल रहे सड़क निर्माण कार्य के कारण बाइक असंतुलित होकर फिसल गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने घायलों को CSC पहुंचाया। हालत गंभीर देखकर सनी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां रास्ते में ही सनी ने दम तोड़ दिया। शादी के कुछ घंटे बाद ही दुल्हन का सुहाग गुजर गया। ससुराल पहुंची दुल्हन दूल्हे का इंतजार करती रह गई और उसकी मौत की खबर आई। कुछ घंटों पहले जहां घर में शादी की खुशियां मनाई जा रही थी, अब दूल्हे की अर्थी उठने की तैयारी शुरू हो गई है। गांव के ही रहने वाले अभिषेक ने बताया कि सनी दो बहनों में इकलौता भाई था और वह गुरुग्राम में किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। दूल्हे की मौत की खबर जैसे ही उसके परिवार को मिली तो सभी लोग बेसुध हो गए और नई नवेली दुल्हन भी दूल्हे की मौत की खबर सुनकर बेहोश हो गई। वहीं इस बारे में इंस्पेक्टर सरूरपुर ने बताया कि बाइक अधिक तेज रफ्तार से चल रही थी, जिससे वह अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे युवक को अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। फिलहाल युवक के घर में अब मातम पसरा हुआ है।